हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बैक जाओ, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि जो हिंदी का पेपर होने वाला है 21 मार्च को, तो उस हिंदी के पेपर में आपको क्या आ सकता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बंद करने से पहले आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो ये सबको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन 80 मार्क्स के पेपर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये आपको नहीं पता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग वही आपको डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आसानी से हिंदी के अंदर 80 में से 75+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला यहाँ पे विभाग दिया है गद्य विभाग, जिसके अंदर आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है? तो इस पैसेज के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को पैसेज, एक पैसेज हो गया, ठीक है? तो इस पैसेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके कितने मार्क्स निकाल सकते हैं, 8 मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है? अभी नीचे रही बात 8 मार्क्स और, तो ये जो दूसरा पैसेज है, ठीक है, एक पैसेज ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो ये रहा सेकंड पैसेज। तो सेकंड पैसेज में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ के ऊपर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको पैराग्राफ से ही ढूंढ के लिखने हैं। तो ये भी आपके 8 मार्क्स हो गए। टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फोर्थ वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि आप क्या करोगे, पर्यटन ज्ञान वृद्धि का जो साधन है उस पर आप 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने के लिए कहा है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है? तो ये किस टॉपिक पे लिखा है ये आपको देखना है और फिर नीचे जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को अपने दिमाग में सोचना है और आपको लिखना है कि हाँ, इस तरीके से अगर पर्यटन ज्ञान वृद्धि का हम लोग साधन बन सकते हैं, पर्यटन को हम लोग ये कर सकते हैं, अब उसका प्रचार कर सकते हैं, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से 20 से 30 शब्द लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रही 4 मार्क्स की, क्योंकि ये पूरा जो पहला विभाग था वो पूरा 20 मार्क्स का था। तो यहाँ पे हमने ऊपर 16 मार्क्स का डिस्कस कर लिया और नीचे जो 4 मार्क्स के लिए है वहाँ पे भी आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है? तो ये पैसेज नंबर 3 है और इसके अंदर आपको क्या दिया है, उत्तर लिखो दिया गया है और भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय। तो यहाँ पे आप ये समझिए, ये समझ लीजिए कि आपको इस पूरे पैराग्राफ से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स का होगा और जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स को आपको खुद से उसका आंसर लिखना है। उसके लिए आपको कोई पैराग्राफ ये सब नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो इस विषय पर आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे आपको जो एक पैराग्राफ दिया है उसको रीड करना है और ये पैराग्राफ को रीड करके आपको अपने हिसाब से यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं, ठीक है? ये हो गया विभाग ए। अभी विभाग जो दूसरा है यहाँ पे आप 12 अंक देख सकते हैं 12 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको 12 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक पोयम दिया गया है, ठीक है? तो ये पद्य विभाग है जिसके अंदर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे और इस पद्य विभाग के ऊपर आपको एक आकृति पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है और साथ में यहाँ पे आपको एक पैसेज का भावार्थ यहाँ पे पूछा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल कितने 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसका, तो दूसरे पार्ट में भी आपको सेम ऐसे ही एक ये दिया गया है, पोएम का कुछ पैराग्राफ दिया गया है और उसके लिए भी यहाँ पे आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 6 मार्क्स के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आपको संबंध जोड़कर उचित वाक्यों में तैयार कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश ढूंढकर आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आए पर शब्द से अलग अर्थ लिखिए, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है, अंकित 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 20 से 30 शब्दों में लिखिए। यानी यहाँ पे आपको जो लास्ट की ये 4 लाइनें हैं उनका आपको अपने शब्दों में यहाँ पे भावार्थ लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये जो तीसरा दूसरा विभाग था वो दूसरा विभाग भी देख लिया कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड विभाग है उसके अंदर आपको टोटल 8 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे 4 मार्क्स आपको पहले पैराग्राफ के लिए दिए जाएंगे और इस पैराग्राफ के ऊपर आपको उल्लेख जोड़ियाँ बोली गई हैं और साथ में यहाँ पे आपको एक विषय के ऊपर 30 से 25 शब्दों में लेख लिखने के लिए कहा गया है। उसी तरह से नीचे भी आपको 4 मार्क्स के लिए पैसेज दिया गया है और उस पैसेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है?
तो ऊपर के हमने यहाँ पे 20 डिस्कस किए थे, नीचे 12 और फिर उसके नीचे 8 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके कितने मार्क्स हो गए, 20 प्लस 10 30 34 मार्क्स के क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस 14 मार्क्स का है, व्याकरण वाला पार्ट है। तो व्याकरण में आप क्या क्या करके जाइए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्याकरण और जो स्किल राइटिंग होती है उसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक एक स्किल राइटिंग का जो पूरा वेटेज होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और व्याकरण यहाँ पे आपको 14 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये कितना हो गया, 44 मार्क्स हो गया। तो 44 मार्क्स आप ऐसे ही नहीं गंवाना चाहेंगे, तो इसके लिए आप क्या करो, पहले शब्द भेद पहचान कर लिखिए, ये आप करके जाइए। निम्नलिखित अवयवों में से एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कृति आप पूर्ण करना सीख लीजिए, और दूसरा है कि वाक्य की जो सहायक क्रिया होती है, ठीक है, आपको क्रिया पहचाननी आनी चाहिए, वो आप एक बार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो एक क्रिया और प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मुहावरे का अर्थ है, तो आपको जितने भी पार्ट हैं उस सब में, पार्ट में जितने भी मुहावरे हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और उस मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कारक चिन्ह पहचान कर लिखने के लिए कहा है, विराम चिन्ह के बारे में दिया गया है, ठीक है। रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखने के लिए कहा गया है, और अर्थ लिखकर उसका सूचना अनुसार परिवर्तन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो विभाग 4 है उसके अंदर आपको 14 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे बचा जो विभाग 5 है, जो उपयोजित लेखन का 26 मार्क्स का विभाग होता है, तो इसके अंदर टोटल आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे एक पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन में 2 पत्र लेखन होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, ठीक है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो वो आप क्या करिए कि हिंदी में जाके आप देख लीजिए कि उसका फॉर्मेट क्या है। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ गया तो आप आसानी से किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे आपको दिया गया है कि आपको निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं कि जिसका वाक्य एक में हो, तो ये आपका एकदम कन्फर्म मार्क्स होता है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी इसके अंदर मार्क्स निकाल लेता है क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो ये पूरे यहाँ पे आपको पैसे से सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाने हैं, और 4 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिंगल सेंटेंस का आंसर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वृत्तांत लेखन बोला है। वृत्तांत लेखन का मतलब होता है कि आपको स्पष्ट करना है, स्पष्टीकरण अच्छे से देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी 60 से 80 शब्द लिखे गए हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हो तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा, और आपको इसके अंदर भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कहानी लेखन दिया है, तो कहानी लेखन के लिए हमेशा आपको ये दिया रहेगा, पॉइंट्स दिए रहेंगे, और उस पॉइंट्स के बेस पे ही आपको कहानी लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप विज्ञापन देख सकते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ड्राइवर के लिए आपको क्या अनुभव होना चाहिए, क्या व्यावसायिक अर्हता होनी चाहिए, उसका वेतन आप कितना दोगे, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है या नहीं है, और कहाँ से आप निवेदन कर रहे हो कि हाँ मुझे ड्राइवर इस स्कूल के लिए चाहिए, तो वो भी आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप एक विज्ञापन लेखन कर सकते हो, ठीक है। तो विज्ञापन लेखन भी बहुत आसान होता है, बस आपको एक पेज के ऊपर इस तरीके से अच्छे से आपको ड्राइंग बना के, ठीक है, एक विज्ञापन को तैयार करना है, ठीक है। तो यह आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंध लेखन दिया गया है, तो निबंध लेखन में आपको यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए हैं, और साथ ही में हमारे चैनल पे भी ऐसे बहुत से जो निबंध है आपको हिंदी में मिल जाएंगे, तो आप जाके उसको सर्च करिए, ठीक है, और वहाँ से आप देख लीजिए कि हमने किस तरह से उसका फॉर्मेट लिखा है, किस तरह से वो निबंध को लिखा गया है, ठीक है। जैसे मेरा भारत महान, पर्यावरण संतुलन, पुस्तक की आत्मकथा, तो ये पुराने टॉपिक है, लेकिन आपको जो नए टॉपिक आ सकते हैं 2022 में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आपके सराउंडिंग में जो भी करंट अफेयर चलता है उसके रिलेटेड आपको कोई भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टोटल 7 मार्क्स है। तो ये जो 7 मार्क्स होते हैं इसमें 7 मार्क्स निकालना बहुत कठिन होता है, तो आप लोग जितना बेहतर हो सके, और 7 मार्क्स के लिए कम से कम आपको कम से कम 2 पेज तो आपको लिखना ही होगा, तभी आपको 7 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो पेपर था हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपको इस पेपर के अंदर कोई डाउट होगा या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप प्लीज़ हमें मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।